आश्रम नंदन वन बन गया, यहाँ सब हुआ बैठ कर कहीं भी साधना कर सकते हैं। लेकिन कितने लोग साधना करते हैं, कितने लोग फिर दिन से बैठकर साधना कर रहे हैं, हमें क्या मिला यही प्रश्न है। कितने फल हुए, कितने फूले, मुझे फूल तोड़कर भगवान को चढ़ाओ ये बात कहीं नहीं पड़ती, कोई फूल की तरफ जाता नहीं। फूलों की फूल हो तो भगवान गुरु जी के ऊपर इतने दशमांश जम के रखा, फूल भी गुरु जी को नहीं मिलती, यहाँ के तोड़े हुए ही, कोई बाहर से लाके दिया तो उसके फूल वहाँ के वहाँ चढ़ा देंगे, फल यहाँ से यहाँ चढ़ा देंगे। इस प्रकार अगर ये आश्रम चलता रहा तो मेरे इस उद्देश्य का कोई कारण ही नहीं बनता। मैं केवल उसी लिए कहता हूँ कि कल एक विशिष्ट मंत्र प्रदान करूंगा, जो मेरी कथनानुसार उस साधना को संपन्न 40 दिन में करेंगे उनको मैं अपने साथ लेकर साधना के मार्ग में चलूंगा। बाकी सब लोग मेरे लिए गृहस्थ हैं और पालना मेरा कर्तव्य है, जो गुरु जी को लेकर चल रहे हैं उस कार्य को लेकर उनको लेकर चलूंगा। क्योंकि ये वचन देता हूँ कि जब मैंने वचन दिया है आपको बच्चा माना है, गुरु जी की संतान माना है, गुरु जी का सिद्धार्थ परिवार का सदस्य माना है, तो आपके जीवन के आखिरी क्षण तक मैंने अपने आप को जला कर भी तो आपको पालूंगा जरूर, आपको छोड़ूंगा नहीं, आपको पालूंगा। लेकिन आपका कर्तव्य भी आपको निष्ठा के साथ कहता हूँ, आपका कर्तव्य क्या है आप भी देखें और आप गुरु कार्य क्या कर रहे हैं इसका भी चिंतन आप करें। मैं तो किसी भी तरह आज ये भी किया हूँ, कल तपस्या के लिए भी जाऊंगा, आप देखते रहना। जिस दिन मैं एक बार आश्रम से छूटा फिर 3 साल तक आपको नहीं दिखूंगा, और जब आऊंगा तो उस सिद्धाश्रम की सिद्धि उसको लेकर ही आऊंगा और कहूंगा कि मैं सिद्धाश्रम गया हूँ, मैं गृहस्थ लेकर मैं गया हूँ, ये बात बताकर बात करूंगा। मेरा यह चिंतन है, मैं निखिल चेतना केंद्र की स्थापना साधनाओं के लिए किया था, और वो साधनाएं नहीं हो रही हो या साधनाएं बन नहीं रही हो तो जरूर मुझे कष्ट होगा। मेरा इतना कर्तव्य, मेरा इतना कष्ट निरंतर जा रहा है, इसकी बाधा मुझे जरूर बनी रहेगी और बनते ही रहेगी। इसका जब तक नहीं हुआ, इसको जब तक पूर्ण नहीं किया, ये कार्य नहीं होने वाला। ये कार्य या यह चिंतन मुझे ही नहीं परम पूज्य सद्गुरुदेव जी को भी था, मुझे आज भी पता है। गुरु जी के उस लीला के हॉस्पिटल के आखिरी क्षण, गुरु पूर्णिमा 1998 गुरु पूर्णिमा थी और आखिरी दिन गुरु पूर्णिमा 7-8-9 तारीख को थी, और मैं 2 तारीख को गुरु जी ने मुझे मुंबई में लीलावती हॉस्पिटल में बुलाया था। गुरु जी बेड पर थे, मैं गुरु जी के पास गया, गुरु जी के हाथों में हाथ दिया, मेरे आंखों से आंसू आ रहे थे, गुरु ने आंसू को रोकने के लिए कहा और कहा जोशी अभी आगे का भार सौंप रहा हूँ, गुरु पूर्णिमा आगे रखी हुई है, ऐसी गुरु पूर्णिमा और ऐसा गुरु कार्य करना है, आगे तुझे संभालना है। मुझे कहा कि गुरु जी ऐसा क्यों कह रहे हैं कि गुरु जी आगे नहीं रहेंगे क्या, ये बात मेरे ये नहीं। लेकिन गुरु जी के मुख पर जो प्रश्न चिन्ह था कि आगे मेरे स्थापन किए सिद्धाश्रम साधक परिवार का क्या होगा, और आपने देखा है सिद्धाश्रम साधक परिवार आज नहीं है, आज निखिल मंत्र विज्ञान है, नारायण मंत्र विज्ञान है और कोई प्राचीन मंत्र विज्ञान है। आज सिद्धाश्रम साधक परिवार के 3 टुकड़े हो गए, उसके 4 भी होंगे कल के दिन, और जो चिंतन के साथ वो चले थे, क्या वो चिंतन है क्या चल रहा है आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं। जब वही नहीं हुआ तो ये कार्य कहाँ। आज साधना के क्षेत्र में कोई चाहते हैं तो वहां से आवाज आती है, वहां से लोग कहते हैं कि आपको साधना अगर करनी है तो आप हैदराबाद जाओ, और यहाँ मेरे साधक मेरे आश्रम में रहने वाले साधनात्मक अगर वो दृष्टिकोण से साधना में वो तत्पर रहे तो आने वाला भी साधना करेगा। अगर यही कहते रहे नहीं नहीं हम हमारे बच्चों को देखना है, कोई आरती को कभी नहीं जाता, सुबह हो शाम हो अकेला आरती कर लेता है, वहाँ अकेले आरती करते हैं, ये लोग अपने घर में मस्त सोए हुए हैं या अपने अपने कार्य में निरंतर हैं। क्या ये बात मैं कहूँ कि आपको आरती को जाना है, आप भगवान के पास जाना है, भगवान ने जरूर नमस्कार किया, ये बात मैं कहूँ कि आपका कर्तव्य नहीं बनता, आप नहीं जा सकते, ये बात कहना तो कहनी पड़ती है। ये इसका चिंतन है कि आपको छोटी छोटी बातों को बताना पड़ता है, जैसे मैंने आज सुबह कहा 8:30 बजे तक आप यहाँ नहीं आए और गुरु मंत्र जब हुआ ना दीक्षा हुई तो हम आज ये 3 दिन के लिए भी हम हमारी नींद नहीं छोड़ सके तो आगे जीवन में हम क्या छोड़ सकेंगे, क्या काम कर सकेंगे। गुरु के आश्रम में भी यही कार्य चलता रहा तो हम आगे किस प्रकार अपनी जिंदगी जियेंगे, इसका चिंतन तो सभी को बना हुआ, सभी का कार्य हो रहा है। आज इन सभी चीजों को लेने के बाद भी दिल एक तरफ कहता है कि इनमें ये असमर्थता क्यों, इनमें ये असमर्थता को लेकर कितने दिन ऐसी इसी तरह की जिंदगी जिएंगे, क्या इनके जीवन में अच्छे दिन नहीं आएंगे, क्या गुरु जी के चिंतन को लोग लेकर नहीं चलेंगे, उस सुंदरता को लेकर नहीं चलेंगे जिस सुंदरता की गुरु जी ने कल्पना की थी, जिस गुरुकुल विद्या की जिस ऋषि विद्या की गुरु जी ने कल्पना की थी, क्या वो नहीं होगा। इसके लिए क्या करना है, इसके लिए अब मैंने निर्णय कर लिया कि जोशी तुझे चलना है, तू जब तक नहीं चलेगा इनकी आंखें नहीं खुलेंगी, तू जब तक नहीं मरेगा इनकी आंखें नहीं खुलेंगी, तू जब जिंदा है ये लोग यही कहेंगे कि हम इसी तरह जिएंगे। जिस दिन तेरा जिस दिन वो गुरु चले गए आज फिर आस खुल जाएगा तो तब पता चलेगा कि इनको क्या करना है, हमने जिंदगी में क्या खोया और क्या पाया।
चिल्ला का था वो, एक बार बैठ के साधना करो, आश्रम अपना है देखते रहो, लेकिन आपकी बात आपको ये बात समझ में नहीं आई, फिर बाद में ये बात कहने वाला भी नहीं मिलेगा। मैं आज कठोरता के साथ ये बात इसलिए कह रहा हूं कि मैंने जीवन में क्या क्या है, आपसे क्या क्या अनुभव किया मैंने देखा। हाँ, ऐसा नहीं कि भारत के कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, या फिर मैं गुजरात से लेकर आसाम तक, या उड़ीसा तक भी मैं गया हूँ, हर समुद्र के उस कोने तक गया हूँ, लेकिन कोई ऐसा साधक नहीं मिला जो एक बात है कि मैंने गुरु के चरणों में समर्पित होकर कार्य कर रहा हूँ, या कोई आचार्य नहीं मिला, कोई सन्यासी भी नहीं मिला, कोई पीठाधीश भी नहीं मिला कि जो लोक कल्याणार्थ कार्य कर रहा है, या जो यह गुरु के चिंतन को लेकर मंत्र तंत्र ज्ञान को लेकर आगे चल रहा है। ऐसा नहीं हुआ तो भारत की स्थिति देख रहे हो। आज भारत में अधर्म दूसरे धर्मों का आकर सनातन धर्म क्यों दूसरों के हाथों में जा रहा है? क्योंकि हमारे पास अनुष्ठान नहीं है। हम चाहते हैं कि बैठे बैठे हमारा कार्य हो, हम पैंट शर्ट बूट पहने पैंट के नीचे बैठे रहे और गुरु या देवता हमारा कार्य करें। हमारी सनातन धर्म की निष्ठा ऐसा कभी नहीं कहती। हमारी सनातन धर्म की निष्ठा कहती है कि घर का बड़ा आदमी हो तो अपने आप को घर के लिए समर्पित कर ले, घर का बड़ा आदमी। उसी तरह संसार का बड़ा आदमी अपने आप को उत्साहित कर दे, उसी तरह ऋषि अपने जीवन को जंगल में गुजारे, घर में नहीं, जंगल में अपने लोगों को गुजारते हुए ऋषियों ने आपके कल्याण के लिए ऋचाओं को लिखा, वेदों का निर्माण किया। आज वो वेद, आज वो ऋचाएं उनके रहने के कारण ही हम इस संसार में सुख और सौभाग्य को देख रहे हैं। आज विषय ऋषि नहीं है, आज विषय ऋषि देखने को भी नहीं मिलते, आज विषय ऋषि जो निस्वार्थ है ऐसे लोग भी देखने को नहीं मिलते। एक बार संसार सप्तऋषियों का मेला जमा था, मेला जमा हुआ था पुष्कर में, पुष्कर में मेला जमा था, सप्तऋषि सभी आए। अब सप्तऋषियों की चिंता बन गई थी कि इस संसार का कल्याण किस तरह हो। सारे सप्तऋषि जमा हुए थे, सारे सप्तऋषि पुष्कर में, जो आज ब्रह्म पुष्कर कहा जाता है, राजस्थान में ब्रह्मा ने कुंड की स्थापना की थी संसार के कल्याण। सारे ऋषियां जो जमा हुए थे तो उस समय के राजा जो महान राजा थे उन्होंने कहा कि ऋषियों का जमघट जम गया है और उनकी कृपा प्राप्त करो तो संसार सुभिक्ष हो सकता है, संसार में मेरे सारे कष्ट जा सकते हैं। और वो राजा सप्त ऋषियों के पास आए और कहा कि हे राजा हम ऋषियों के पास आए हैं, मैं कहता हूँ कि ऋषि प्रवरों, मैं इस संसार में मेरे पास जितना कुछ भी है सब कुछ दान देना चाहता हूँ, और आप इस दान को लेकर इस पृथ्वी को श्रेष्ठ श्यामल और शांतियुक्त बनाएं, यहाँ वर्षा हो ऐसा कार्य करें। मैं इसके इस पृथ्वी पर सोना चांदी मोती सभी कुछ बहें, आप ऐसा कुछ कार्य करो, मेरा सर्वस्व आपको दान देकर मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। तब सारे ऋषियों ने कहा, राजन अगर आपके पास से हम दान लेकर ये सारी चीज़ें करते हैं तो हम फिर लोक कल्याण कहाँ का कार्य करें? आप अगर हम आपको देकर आप हमें खरीदना चाहते हैं तो हम लोक कल्याण करने वाले नहीं कहलाए जाएंगे, आपका दान लेना हमारे लिए हराम। अगर लोक कल्याण ही आपका आपकी निष्ठा है तो हम कार्य करें, दान लेकर नहीं करते। हाँ, आपकी पीड़ा देना चाहते हो तो उस दान को करो, हम उस दान को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। ये सप्तऋषियों का एक बार एक ही समय में कहना था। राजा ने बहुत प्रयत्न किया, राजा ने देखा कि कैसे नहीं देते, हम देखेंगे। अपने सैनिकों को कहा कि ये जब ऋषि यहाँ से गुजरे तो उनको भूख लगी तो तब तो जरूर दान मांगेंगे, और उन्होंने सारा खाना बंद कर दिया। ऋषि जहाँ बैठे हुए थे सारा खाना बंद कर दिया और पानी भी बंद कर दिया, ऋषि वैसे ही बैठे रहे। ऋषियों को पता चला कि राजा चाहता है कि उसके पास से दान लें, उनको सताएं, और उन्होंने कहा कि वो ऐसे ही बैठे रहे तो अपने ही एक सैनिकों से एक गरीब के रूप में रहा और औदुम्बर जो आप गुलर कहते हैं उसको तोड़कर उसमें सोना भरकर उन ऋषियों के सामने डालते हुए चले गए, ताकि एक गुलर के रूप में तो भूख लगी खाएंगे। अत्रि महर्षि थे, उन्होंने उठा, एक ऋषि कह रहे थे कि गुलर गिरा है ये तो भगवान का दिया हुआ है, इसको लेकर खाएंगे। जैसे ही गुलर उठाया तो उसमें वो भोजन लगा। अत्रि महर्षि ने कहा कि इसके एक खाने की नहीं, ये राजा की एक चाल है जो अपने लिए कही हुए, और उन्होंने देखा तो उसमें सोना डाला हुआ। सब ऋषियों ने कहा, वो सब इकट्ठा करें और राजा के चरणों में डालकर कहा कि ये चाल हमारे ऊपर नहीं चलाना, हमें भूखा कैसा रहना है अच्छी तरह जानते हैं, तो हमें भूखा रख सकते हो लेकिन तुम्हारे पास से दान तो नहीं लेंगे, हम लोक कल्याण करेंगे, हम लोक कल्याण करने की प्रथा जानते हैं। राजा ने कहा कि मैंने खाना बंद कर दिया है, आपको पानी पीने के लिए रोक रखी है, गौओं को बंद कर दिया है, गौओं का दूध नहीं दे रहा हूँ, आपको किस प्रकार आपसे खाना होगा? तब अत्रि महर्षि और सप्त महर्षि ने कहा, देख राजा अब हम किस तरह करते हैं, तू भी इसको देख। उन्होंने अपने श्लोकों के कारण, अपने नित्य श्रुतों के कारण उन्होंने भगवान इंद्र से कहा कि मैं तुम्हारे लिए यजन कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए अग्नि प्रदान कर रहा हूँ, यज्ञ कर रहा हूँ, अब तुम्हारे कार्य करना है।
यज्ञ के लिए संविधाओं के लिए लकड़ी के ले गए तो राजा ने लकड़ियां रोक दी। तब ऋषियों ने अपने ही शरीर से अग्नि का निर्माण किया और कहा कि राजा अब हम तुम्हें घृत के रूप में हमारे आंसू डालते हैं। और ऋषियों के जुब से एक आंसू टपका तो इतनी घनघोर वर्षा हुई जिसके कारण इस संसार में पृथ्वी पर जो अन्न पैदा हुआ जो आए तो उसमें गायत्री माता का मंत्र बोल देने के बाद सुरभि नाम की गाय इंद्र ने भेजी और सुरभि ने सारा अन्न उनको प्रदान किया। तब राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ कि मेरे दान या मेरे इसके साथ ये नहीं, पृथ्वी पर ऋषि अपने कार्य अपने सिद्धों के कारण कार्य करते हैं। मैं भी आपको कह रहा हूँ तपस्या से इस संसार को चलाया जा सकता है लेकिन आपके दान से या आपके कर्म से निशान मैं आपके जीवन पे या आपके मंत्रों से यहाँ पर नहीं जी रहा हूँ। मैं जी रहा हूँ तो केवल गुरु कृपा से जी रहा हूँ। आपके कार्य से ये आश्रम नहीं चल रहा है ये आप समझ लेना चाहिए। अगर मैं इस आश्रम की एक एक चीज करके फूल बेचता फल बेचता दूध बेचता तो आप कहते कि हमारे कर्म को गुरु बेच रहा है। मैंने कभी होने नहीं दिया। आपने मुझे बहुत बार कहा भी ये कार्य करो। मैं कहा आप खा पी कर संतुष्ट हो जाओ मैं इसे बेचूंगा नहीं। ये आश्रम है यहाँ बेचा नहीं जाता। यहाँ की चीजों को आप खरीद नहीं सकते और बेच भी नहीं सकते। और ये आश्रम इस तरह चला रहा हूँ इस आश्रम में एक एक आश्रम का एक एक आश्रमवासी इस बात को ध्यान रखें कि हम गुरु क्या गुरु कार्य कर रहे हैं और किस प्रकार गुरु कार्य करते हुए हमें आगे चलना है। मेरा केवल यह चिंतन है रहा है कि आप क्या गुरु साधनाएं करते हुए गुरु को प्रसन्न किए हैं। मुझे नहीं, मैं तो तुम्हारा गुरु भाई। गुरु वो हैं जिनने सिद्धाश्रम साधक परिवार की स्थापना की, जो सिद्धाश्रम को जाने की बात कर रहे थे, जिस सिद्धाश्रम को जाने की आगे की क्रिया कर रहे थे, उनके लिए आप क्या कार्य कर रहे हैं और किस प्रकार का कार्य करना चाहिए। यही बात एक समय में यही बात वेन नाम के राजा हुए। वेन नाम के राजा को भी ये हुआ कि इस पृथ्वी पर अगर हम इस संसार में मैं सब कुछ कर रहा हूँ, मैं राजा हूँ तो इस संसार को मैं पालन पोषण कर रहा हूँ, इसको देख रहा हूँ और इसके वजह से मेरी वजह से ये सारा पृथ्वी सस्य श्यामल है, अच्छा है, ऐसा उसका कहना था। लेकिन जब यह बात वेन राजा को गर्व का कारण बनी, उसने कहा कि तुम प्रजा मुझे ही देवता मानो, मेरी पूजा करो, मेरी मुझे ही स्मरण करते रहो, कोई इंद्रादी देवता नहीं है। जब ये बात कहते हुए उसने अपना ही बड़प्पन कहना चाहा, तब पृथ्वी के प्रति इस संसार में उसकी धारणा देखकर सारे देवता ऋषियों ने जाकर कहा कि हे वेन महाराजा, तू जो कर रहा है वो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये तो करने से पृथ्वी पर दुख होगा। तो उसने कहा कि आज तुम मुझे पूजोगे नहीं तो इस पृथ्वी को जहाँ है वहाँ रोक दूंगा, ये पृथ्वी चलेगी ही नहीं। और जब कुछ बीज लेकर पृथ्वी पर डाले गए तो पृथ्वी पर बीज पृथ्वी को निकलने लगे क्योंकि वेन राजा था। पृथ्वी जितने भी बीज डालने लगे बीज उग के बाहर नहीं आए। तब ऋषियों ने देखा कि यह बहुत उन्मत्त हो गया है और तब उसके शरीर के दाहिने हाथ को जब उन्होंने मथना शुरू कर दिया उस वेन को, तो उस वेन से जो भाग निकला वह एक पृथु नाम का राजा के नाम से इस संसार में पृथ्वी का अर्थ होता है मथना, मथना यानी अपने चिलकड़म, वो करने से उसके राजा है और पृथु नाम का राजा बाहर आया। और उसने कहा कि अपने पिता की यह गलती देखकर उसने कहा कि नहीं, जब तक पृथ्वी घूमेगी नहीं तब तक इस संसार में बीज की उत्पन्नता नहीं होगी। और उन्होंने पहली बार पृथ्वी को आज्ञा देकर कहा कि पृथ्वी तू अपने आप का मंथन जब तक नहीं करेगी तब तक इसके ऊपर कुछ भी होने वाला नहीं। आज समुद्र में लहरें आती हैं इसलिए कि पृथ्वी घूमती है, आज समुद्र नदी का पानी बहता है इसलिए कि पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी अपने आप के तरफ घूमते हुए मंथन करते हुए आपको इसलिए इसे मेदिनी कहा गया है, इसलिए इसको पृथ्वी को सुधा कहा गया है क्योंकि सुधा को देने वाली मथने से अपने को दूध को या इसको मथने से अपने से उसमें से सुधा आती है, वो सुधा करता है, वो अपने आप को घूमते से इस संसार में अच्छे फूल फल कांटे समुद्र के गर्भ से मंथन करने से जो आता है इसलिए इसे पृथ्वी कहा गया है। उस पृथ्वी को देखने के बाद उन ऋषियों ने कहा कि जब तक पृथ्वी महाराज ने कहा कि जब तक तू यहाँ मिलते घूमते हुए सूर्य के अतराव घूमते रहोगी इस संसार में मनुष्य पृथ्वी वीर्य ये सब फूलता चक्र करता हुआ घूमता रहेगा और सब में उत्पत्ति और लय का कारण होगा और जिस दिन तुम घूमना बंद कर दोगे ये सारा संसार विनाश का कारण बनेगा। और यह मंथन वहीं नहीं तो यह मंथन आप में भी है। यह मंथन आप जैसे बचपन से लेकर पैदा होते हो आखिरी मरे दम तक आपका चिंतन आपका मंथन होते रहता है। वो या मन का मंथन हो या बुद्धि का मंथन हो या विचार का हो या धन का हो या आपके जीवन का हो, आप बचपन से जवानी में है, जवानी से बुढ़ापा से मृत्यु को प्राप्त किए, ये भी आपका एक चक्र है, इस मंथन में आप भी घूमे हो। लेकिन इसको स्थिरता प्राप्त करने की क्रिया क्या करनी चाहिए? आपके घर में लक्ष्मी भी चंचला है तो सरस्वती भी चंचला है, काली भी शक्ति भी चंचला है, शक्ति आज ही जवानी रही शक्ति रही बुढ़ापा आया शक्ति चले गई
पैसा आज है कल रहा फिर चला गया, विद्या आई ये सक्षीण हो भूलने लगोगे, ये तुम्हारे शरीर के स्थान का है। लेकिन इन सभी चीजों को स्थिरता देने के लिए क्या करना चाहिए कि हमारे जीवन में सब स्थिर रहे, इसके लिए क्या करना चाहिए? पुराणों में क्या कहा गया है पृथ्वी के बारे में, इसको क्या कहा गया है? जब हमारे पास महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली नाम की शक्तियां तीन रूपों में ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को जो सृष्टि स्थिति लय के कारण है इसकी शक्तियां बनकर हमें पालन पोषण करती है, हमारा निर्वाण करती है, इन सभी के लिए जो कार्य हम कर रहे हैं या करवाना चाहते हैं इसके लिए स्थिरता को प्राप्त करने के लिए, इसे स्थिर करने के लिए कि हमारे जीवन में सुख सौभाग्य हो। अगर बुद्धि की कमी हो गई तो कितना भी पैसा रहने पर भी कार दूसरा लूट लेकर जाएगा, और लक्ष्मी जितनी भी रही बुद्धि नहीं रहा तो वो स्थिति है, बुद्धि रही तो लक्ष्मी अपने पास आम के आएगी, दान धर्म पुण्य में काम चलेगा, फिर वो जहाँ रहा वहाँ उसकी उसके साथ, और शक्ति नहीं रही भी तो बुद्धिमान आदमी को दूसरा लूटता है, और शक्ति जिसके पास है उसको बुद्धि वाला लूटता है, जिसके पास पैसा है उसको शक्ति वाला लूटता है। इस प्रकार महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली अपने एक के ऊपर एक हावी है, लेकिन इन तीनों को एक जगह रखकर चलने की क्रिया कौन किस तरह करते हैं और किस तरह करना चाहिए, इसका कारण क्या है, इसकी स्थिति को किस तरह करना चाहिए, ये भगवान पृथ्वी ने जो विष्णु के अंश कहलाए जाते थे और पृथ्वी पर रहने वालों के लिए उन्होंने कहा था कि इस प्रकार हम इस संसार में किस प्रकार जिए, हम इस संसार में स्थिरता के साथ रहे, हमारा शरीर बूढ़ा ना हो, हमारे कार्य में स्थिरता प्राप्त हो, हमारे इस संसार में इस पृथ्वी को हम ये पृथ्वी हमें धारण करें, इस पृथ्वी के खाने से ही हमारे पिताजी या हमारे माता में वीर और शुक्र की उत्पत्ति हुई और उस वीर से ही हमारा उत्पत्ति हुआ हमारी उत्पत्ति हुई, यानी इसका हमारे वीर का हमारे जन्म का कारण पृथ्वी बनी, और फिर हम जब मर गए तो हमारे शरीर को या तो जला दिया गया या पृथ्वी में गाड़ दिया गया, इस तरह फिर हम उसमें गड़े चले गए। तो यह पृथ्वी की धारणा है, पृथ्वी को धारण करने की क्रिया है, पृथ्वी ने तुम्हें धारण किया है, तुम्हें कभी कभी धारण करती है और कभी छोड़ भी देती है, और इस पृथ्वी को धारण करने की छोड़ने की यह क्रिया, यह जो चलन, यह जो क्रिया है, इस क्रिया को स्थिरता के साथ देखने वाला मेरा पूर्व जन्म, यह जन्म और आने वाला जन्म, पृथ्वी पर मैं कहाँ तक हूँ और पृथ्वी से आगे मैं कब कैसे